आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ब्लीच एंड फेस पॉलिश, ठीक है, स्किन पॉलिश, जिसको हम स्किन पॉलिश भी कहते हैं, फेस पॉलिश भी कहते हैं। ब्लीच में एक नॉर्मल ब्लीच और एक स्किन पॉलिश में क्या फर्क है, जो हम प्रोफेशनली सलोन्स पे करते हैं या पार्लर्स में की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें चाहे वो ब्लीच हो चाहे वो फेस पॉलिश या स्किन पॉलिश हो, उसमें जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है ना, वो इन दो चीजों का होता है। अच्छा, अब ये दो चीजें क्या है, ये और ये है 20% volume 6%। ओके, ये आप किसी और ब्रांड का भी यूज कर सकते हो, मैंने वेला का रखा हुआ है, लेकिन आप जो है ना वो किसी और भी ब्रांड का ले सकते हो, सिल्की का ले सकते हो, सॉफ्ट टच का ले सकते हो, स्विस गर्ल का आता है, और भी पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स हो गए उनका आता है, या आप लोग खुद भी करते होगे तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिसमें आप किसी भी कंपनी का ब्लॉन्डर पाउडर और 6% ले सकते हो। अच्छा, अब अगर मुझे किसी क्लाइंट को सिर्फ फेस ब्लीच करना है, एक नॉर्मल ब्लीच करना है, तो उसके लिए जिन प्रोडक्ट्स की मुझे नीड होती है वो होती है। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, मतलब 20 volume 1 blonder, वो किसी भी कंपनी का हो, और किसी भी कंपनी का सूथिंग लोशन, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि किसी भी क्लाइंट का अपने पार्लर में एक नॉर्मल ब्लीच कर दूं, तो उसके लिए मुझे जरूरत है सूथिंग लोशन, डेवलपर 20 वॉल्यूम और ब्लॉन्डर पाउडर, इन तीन चीजों से मैं एक नॉर्मल ब्लीच कर लूंगी, ठीक है। लेकिन अगर, अच्छा ये जो है ना, ये हम नॉर्मल स्किन पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मैं चाहती हूँ कि ब्लीच कर दिया जाए मेरे फेस पे, लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है। आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है, मतलब इतना गर्म वेदर, इसके बाद भी स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है, या एक्नी वाली होती है, या बहुत गर्मियों में पिंपल्स आ जाते हैं, एक्नी आ जाती है, रैशेज हो जाते हैं, तो फिर हम ये क्या करना चाहिए, फिर हम इसको कर देंगे अवॉइड। ये तो हम नॉर्मल अगर स्किन आती है तो ओके, उसके लिए गुड है, मतलब विन विन सिचुएशन है। लेकिन अगर हमारे पास कोई सेंसिटिव स्किन आती है और वो फेस वैक्स भी नहीं करते और उनका फेस हेयरी है, तो ऑब्वियसली बात है हमें उनके फेस को ब्लॉन्ड करने के लिए कुछ तो करना है, ताकि उनके जो हेयर है वो ब्लॉन्ड शेप में चले जाए और जो उनका कॉम्प्लेक्शन है वो इनहेंस हो जाए, ठीक है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें स्किन पॉलिश यूज करना चाहिए। अगर क्लाइंट पैसों के चक्कर में आके हमें ये कहते हैं ना, नहीं यार आप ब्लीच 200 में कर रहे हो, आप स्किन पॉलिश 350 में कर रहे हो, तो आप मुझे ब्लीच कर दो, लेकिन अगर उसके फेस पे वो सूट नहीं करता है, तो हम क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे कि ये चीज आपके फेस के लिए अच्छी नहीं है, बेटर है कि आप स्किन पॉलिश वाले पे चले जाओ, ठीक है। इससे आपका ब्लीच भी हो जाएगा और स्किन पॉलिश भी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मुझे इसको स्किन पॉलिश के साथ करना है, तो मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा व्हाइटनिंग कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल, एलोवेरा जेल भी मैं यूज कर सकती हूँ, सूथिंग लोशन तो इधर ऑलरेडी पड़ा है तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, और किसी भी कंपनी का शाइनर। अच्छा, ये स्केयर कंपनी का मेरे पास ग्लॉस है, ये मेरे पास एलिस का शाइनर है, ये मेरे पास सॉफ्ट टच का शाइनर है, और ये मेरे पास डर्माकोस का ग्लॉस है, तो हम इसमें से कोई भी एक चीज ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी बन जाएगी स्किन पॉलिश। जब हम ये सारी चीजों को एक साथ ऐड कर देंगे तो ये स्किन पॉलिश हो जाएगी। अच्छा, आप इन चीजों को हम कितनी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये वीडियोस तो आप लोगों को अलग मिल जाएगी कि हमें ड्राई स्किन पे कैसे करनी है, हमें ऑयली स्किन पे कैसे करनी है, हमें एक्नी स्किन पे कैसे करनी है, इसकी वीडियोस फर्दर आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनली काम कर रहे हो और आपका सलोन है, चाहे वो होम बेस्ड हो, चाहे वो एक अच्छा सलोन है, या मीडियम लेवल पर है या हाई लेवल पर है, तो जिसमें अगर आप नॉर्मल ब्लीच करते हो तो आपको सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट चाहिए, और अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपको स्किन पॉलिश करनी पड़ती है तो हमें चाहिए ये वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम जब हम ब्लीच के अंदर अपने ये सब चीजें ऐड करते हैं तो ये बन जाती है स्किन पॉलिश। अच्छा, स्किन पॉलिश भी कई तरह से होती है, एक होती है जिस तरह जो मैं आपको बता रही हूँ ये तरीका होता है, इसके अलावा भी स्किन पॉलिश के बहुत वेरिएशन है। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स अपनी अपनी डायरेक्ट पॉलिशेस बना रहे हैं जिसमें हमें ये कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है, बस आप पाउडर लो, ब्लॉन्डर लो और ऐड कर लो, क्योंकि उन्होंने अपने पाउडर और ब्लॉन्डर में ही वो चीजें ऐड की हुई होती है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, बट एक ऑथेंटिक जो रेसिपी होती है ना पार्लर्स में, वो यही रेसिपी फॉलो की जाती है कि वो लोग स्किन पॉलिश में ये सब यूज करते हैं और वो नॉर्मल ब्लीच में सिर्फ ये 3 चीजें यूज कर रहे होते, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्किन पॉलिश और नॉर्मल ब्लीच में। ओके, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होती है स्किन पॉलिश और क्या होता है ब्लीच। दोनों का काम जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि आपस में आप समझो दोनों भाई बहन है, इनका काम एक ही जैसा होता है। ये भी बालों को ब्लॉन्ड करता है, ये भी बालों को ब्लॉन्ड करता है, मतलब अगर हम ये सब ऐड कर ले तो ये भी बालों को ब्लॉन्ड करता है। बट ये होता है कि जब हम इतनी सारी चीजें ऐड कर रहे होते हैं ना, तो हमारा प्रोडक्ट माइल्ड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और
विटामिन ई अपना काम कर रहा होता है, व्हाइटनिंग कैप्सूल अपना काम कर रहा होता है। अब वो आगे स्किन पॉलिशेस और मजीद कितने तरह के वेरिएशंस में वो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। आप लोगों को ये समझ आ गया कि डिफरेंस बिटवीन ब्लीच और फेस पॉलिश, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।